أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज असेंबली लैंग्वेज के नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन इन असेंबली लैंग्वेज के यूज़र से जो है हम कैरेक्टर कैसे लेते हैं। जिस तरह से सी सी प्लस प्लस में आपने देखा है कि यूज़र से अगर इनपुट लेनी हो तो उसके लिए क्या है, एक अलहदा सी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप राइट करते थे। इसी तरह जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हम यूज़र से जो इनपुट है वो हम ले सकते हैं। तो प्रोग्राम हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले की तरह ही जो मतलब कि इसकी डायरेक्टिव्स जो लिखेंगे, मॉडल स्मॉल और उसके बाद जो है डॉट सेट सेट डॉट डेटा डॉट और फिर उसके बाद आगे इसका मेन प्रोसीजर आ गया, मेन प्रोसीजर फिर उसके बाद आगे हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह से रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए असेंबली की हम दो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से मूव ए एच टू फिर आगे इंटरप्ट 21H इस्तेमाल करते थे, यानी कि ए एच टू जो है वो इस्तेमाल होती थी। इस तरह यूज़र से इनपुट लेने के लिए ए एच वन इस्तेमाल होती है, यानी कि मूव एच वन फिर उसके बाद आगे जो है 21H। ये जो है ये जो दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, यूज यूज और टू टेक द इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। ओके, तो जनाब अली ये इस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। अब हम चलते हैं नीचे, तो ये क्या हो गया, अब जो है हमने क्या करना है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो ये हो गई यूज़। अब जो है हमने अगला काम जो करना है वो हमने इसको प्रिंट करवाना है, वो डी एल जो है क्या आ गया ए एल और आगे मूव जो है क्या करवाएंगे एच आगे। देखो मूव डी एल ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर जो भी यूज़र इनपुट ऐड करेगा वो इस रजिस्टर में आ जाएगी, यहाँ से जो डी एल के अंदर जो है मूव कर जाएगी और आगे ये जो है प्रिंट उसको फिर करवाना है हमने इंटरप्ट 21H आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जनाब अली मूव ए एच डॉस को एग्जिट करना है हमने 4CH का फंक्शन लगा के और यहाँ पे इंटरप्ट लिख दिया 21H आ गया। इसी तरह जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो गया, मेन एंड पी हो गया और उसके बाद एंड क्या हो गया मेन। तो ये जनाब यारी जो है प्रोग्राम है जो आपके सामने, इसको हमने राइट अप किया है। अब इसको हम चलते हैं, ज़रा चलाते हैं, मैं इसको करता हूँ रन, तो सिंगल स्टेपिंग से ही करते हैं, इसको सिंगल स्टेपिंग से ही चला के देखते हैं। सबसे पहले बल्कि मैं आपको पहले होल इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये चला, अब ये देखिए ये वेट कर रहा है कि कोई ना कोई इनपुट दे, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यू। तो ये देखिए ये मैंने इनपुट दी तो उसने इनपुट ले के जो है वो क्या करवा दी, यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ओके, तो इस तरह इसी तरह से इसको देखते हैं, ज़रा सिंगल स्टेपिंग की मदद से भी करके देखते हैं ये क्या करता है। सबसे पहले देखें पहला स्टेप जो है, सिंगल स्टेप बैक करता हूँ। सबसे पहले देखें ए एक्स के अंदर कुछ भी नहीं है और कोड सेगमेंट के अंदर 720 जो है एड्रेस और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में भी कुछ भी नहीं है, स्टैक सेगमेंट में भी 700 स्टैक पॉइंटर में 100 इसका ऑफसेट एड्रेस डेटा सेगमेंट सारे एड्रेसिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं मेरी लोकेशन। नेक्स्ट अब वन पे आ गई है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर देखे टू हो गया, फिर उसके बाद सारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए आ गया। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट ऐड कर दी, ठीक है ना, कुछ इनपुट दे दी टी दे दिया और फिर इसको मैंने रन किया तो देखे यहाँ पे उसने वही टी जो मैंने इनपुट दिया था अब वही वापस उसने जो है क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये भाई है प्रोग्राम, आपने देखा
कि किस तरह से ये होता है। सही है, यूज़र से इनपुट लेना जो है ये आपने एक करेक्टर को सीख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।